नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बेहद शुक्रगुजार हूं आप लोगों का। आप बहुत प्यार देते हैं मुझे, भले ही बहुत कम समय हुआ है इस चैनल पे एक्टिव हुए हुए। पहले सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव नहीं था, अब मैं ढेर सारे सब्जेक्ट लेकर के आपके सामने आना शुरू कर दिया मैंने, और मेरे प्रयास यही रहेंगे कि मैं हमेशा आपके साथ जुड़ के आपको कुछ ना कुछ इस ज्ञान दे सकूं या मार्गदर्शन कर सकूं या आपकी समस्याओं का समाधान करने में आपकी मदद कर सकूं। आज का हमारा विषय है, सपने तो बोलते ही हैं, सपने तो कुछ कहते ही हैं, आपका सपना क्या कहता है? अरे सपना कुछ कहता है मगर आपका सपना क्या कहता है? आज का हमारा विषय है आपका सपना क्या कहता है। तो इस सपने के अंदर हम हमारे एक दर्शक ने लिख के भेजा है कि मुझे सपने में किसी बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी से मुलाकात हुई। एक व्यक्ति ने नहीं लिख के भेजा, बड़े इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होते हैं। देखिए आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है, सपने हमें कहां से कहां ले जाते हैं। एक व्यक्ति ने लिखा जिसलिए मैं बड़ा प्रभावित हुआ, जो मेरा मन किया कि बहुत सारे लोगों के ऐसे थे, जब माइंड है, जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जब रात को हम सोते हैं कॉन्शियस माइंड तो बेचारा थका हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड दिमाग तेजी से काम करता है, और उसने सेलिब्रिटी की बात करी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव सेंट मी द मेल्स, जिसके अंदर उन्होंने क्या लिखा, एक ने लिखा है कि भी मेरी मोदी जी से मुलाकात हुई सपने में, इसका कोई खास मतलब। किसी ने कहा जी मेरी मुलाकात, मैं ना सामने है, मैं कौन बनेगा करोड़पति, मैं अमिताभ बच्चन के साथ बैठा हुआ। किसी ने लिखा जी कि मैं हमारे इस स्टेट के अंदर रहता हूं, मेरी वहां के मुख्यमंत्री ने मुझे विशेष तौर पे एक प्रोग्राम था, एक फंक्शन था, वहां पे आमंत्रित किया, मेरी उनसे बड़ी अच्छी भेंट हुई। तो मेरे दिमाग में उनकी बातें जो उन्होंने लिखा, उन्होंने पूछा मतलब क्या है इस चीज का। तो हमारे सब्जेक्ट का, आज के जो सपने वाले सब्जेक्ट का मतलब क्या है, किसी सेलिब्रिटी से सपने के अंदर मुलाकात करनी, किसी सेलिब्रिटी से मुलाकात करनी, मिलना और आनंददायक स्थिति में मिलना और मन खुश होना और सुबोध के भी खुश होना, इसका कोई मतलब? जी हाँ बिल्कुल है। जब किसी बहुत अच्छे व्यक्ति से आपकी सेलिब्रिटी से मुलाकात होती है, इसका मतलब जिंदगी के अंदर बहुत अच्छी कोई खुशखबरी आने की संभावना बनती है, आपका अपना इन्फ्लुएंस का दायरा बढ़ेगा, आपके काम की पहचान हो सकती है और आपको तरक्की के रास्ते मिल सकते हैं। होता क्या है दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारी जील होती है, हमारी अंदर एक इच्छा होती है यार मुझे ना इन इसे जरूर मिलना है। वो बात मैं मानता हूं, क्योंकि सपने है ना, बहुत सारी हमारी बातें हमारे मन के अंदर भी हो सकती है ना, कि भी हमने सपने के अंदर क्यों लिया है सपना, कहीं ना कहीं हो सकता है आपके दिमाग में चल रही हो यार कब मौका है मेरी मोदी जी से मुलाकात हो, कब मौका है मेरी अमिताभ बच्चन से मुलाकात हो, कब मेरा मौका आए मेरी फलां एक्टर से या एक्ट्रेस से मेरी मुलाकात हो, फलां किसी सेलिब्रिटी से या मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से मुलाकात हो। तो उसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे दिमाग के किसी कॉर्नर में बात नहीं चल रही है। मगर दोस्तों अगर कोई आपके दिमाग में बात चल ही नहीं रही थी, आपने सोचा ही नहीं था और सुबह के समय आपने सपना देखा, सुबह 4 से 6 बजे के बीच में सपना देखा, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर सपना देखा, एंड अगर समवेयर अराउंड 4 AM देखा, यकीन मानिए उसकी सेंसिटिविटी बड़ी जबरदस्त है। अगर आपके इंट्यूटिव ड्रीम्स हैं तो यकीन मानिए आपकी मुलाकात उनसे हो सकती है। अगर इंट्यूटिव ड्रीम नहीं है तो बहुत अच्छा कोई काम बनने वाला है, कोई रुका हुआ काम बनने वाला है, कोई आपका प्रभाव का दायरा बढ़ने वाला है, किसी काम में आपको बेहद खुशखबरी मिलने वाली है। तो सपना था कि सेलिब्रिटी से मुलाकात सपने में कैसी रहेगी, मैंने उसका बयान किया कि ये अच्छे प्रभाव वाली है। अगर आपने कहीं नहीं सोचा था उसके बारे में तो और भी अच्छे वाली बात है, अगर आपने सोचा था या नहीं सोचा था, सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त के अंदर सपना आया तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी खबर की तरफ इशारा कर रहा है,
हो सकता है सचमुच मुलाकात करवा दे, या हो सकता है कि बड़ी खुशखबरी आपको कोई सुना दे। सम सॉर्ट ऑफ सम गुड अचीवमेंट इज इंडिकेटेड। दोस्तों ऐसे ही प्यार बना के रखिएगा, ऐसे ही अपने सपनों के बारे में, हमारे सपनों के प्रोग्राम में आप भेजते रहिएगा। ज्योतिष सीखना है तो ज्योतिष के बारे में जो दिमाग में सवाल आते हैं तो हमें, हमारे को ईमेल डालिएगा, आपके हम सवालों को हमारे प्रोग्राम में शामिल जरूर करेंगे। आप ही का चैनल है ये प्रेम एस्ट्रोलॉजर। मैं, मेरे पूरे प्रयास होंगे, अगर सपनों का प्रोग्राम हुआ तो सपनों का प्रोग्राम मैंने उसके अंदर शामिल कर लूंगा, ज्योतिष का हुआ तो ज्योतिष का अंदर मैं उसको ले लूंगा। किसी और योग के बारे में, जैसे हमने कभी विश्व योग की चर्चा कर दी, कभी गणमूल योग की चर्चा कर दी, कभी मैंने किसी चीज की चर्चा कर दी, तो जिस किस्म का भी सवाल हो हमें लेके भेजिएगा, हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। फिलहाल वक्त हो गया आपको इजाजत लेने का। इजाजत लेने से पहले एक बार फिर आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे प्रोग्राम को देखा तो सही, मगर लाइक नहीं किया, अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा दोस्तों। इतने इसके साथ साथ कोशिश कीजिएगा कि आप इसको जितना भी शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपनों के साथ, अपने उस ग्रुप्स के साथ, ताकि उन सबका फायदा हो सके, भला हो सके। यही हमारा एक, इससे बड़ी अच्छा कार्य नहीं हो सकता दोस्तों। जब अच्छी चीजों को हम अच्छे लोगों तक पहुंचाते हैं तो उसका जीवन में सचमुच फायदा होता है। तो आज इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस।